कश्मीर में भारत बंद के दौरान हुई हिंसा के बाद सोमवार से हालात खराब हैं। हालातों को देखते हुए बीएसएफ ने मोर्चा संभाला हुआ है। सोमवार को बंद के दौरान उपद्रव को लेकर कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। संपत्ति को नुकसान और पुलिस राहगीरों के साथ मारपीट को लेकर मामला दर्ज किया जा रहा है। बाड़मेर एसपी डॉक्टर गगनदीप सिंगला का कहना है कि उपद्रव और वाहनों में आग लगाने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, पुलिस महकमे और आर्मी के जवानों के साथ बीएसएफ के जवान यहां पर क्षेत्र में मौजूद हैं और क्षेत्र छावनी में तब्दील हो चुका है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। धारा 144 पूरे जिले में लगी हुई है और इंटरनेट बंद किया हुआ है। इसको लेके कुल 6 एफआईआर कोतवाली में दर्ज हुई है, जिसमें 2 पुलिस की तरफ से हैं, बाकी कुछ प्राइवेट लोगों की तरफ से जिनमें तोड़फोड़ हुई थी वो हैं। और करीब करीब 50 या 100 के लोगों के करीब उनको चिन्हित किया गया है। बाकी भी वीडियोग्राफी देख के हम चिन्हित कर रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बाड़मेर से हमारे वन संवाददाता पप्पू ब्रजवाल हमसे जुड़ चुके हैं। पप्पू, क्या कुछ अपडेट है क्षेत्र की? देखिए पूजा, मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एससी एसटी एक्ट में संशोधन किया था, उसके बाद में कल भारत बंद के दौरान बाड़मेर में जमकर उपद्रव हुआ, उसको लेकर के प्रशासन ने एहतियात के तौर पर बीएसएफ को यहाँ शहर में तैनात किया है। लेकिन बात करूं मैं, अगर कल जो माहौल खराब हुआ था उसका कारण कुछ असामाजिक तत्व थे जो करणी सेना के नारे लगा रहे थे। उसके बाद में जो भीम सेना के जो कार्यकर्ता थे उनके दोनों में आपस में भिड़त हो गई। भिड़त के बाद में पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाने के लिए काफी कोशिश की, लेकिन फिर भी जो माहौल गर्मा गया था। लेकिन आज जो पुलिस के साथ साथ बीएसएफ को लगाया गया है और पूरी जो शहर की शांति व्यवस्था है वो बनी हुई है। जी जी पप्पू, क्षेत्र से अब इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं या फिर माहौल कुछ शांत है, नियंत्रण में है? देखिए कल जो माहौल खराब हुआ था उसके बाद में पुलिस ने भी सख्ताई दिखानी शुरू की, तो अब बाड़मेर शहर में पूर्णतः शांति है। लेकिन जो कल जिन लोगों ने माहौल खराब किया था उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। जी पूजा, बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। हमारे वन संवाददाता बाड़मेर से पप्पू ब्रजवाल हमसे जुड़े, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से क्षेत्र में स्थितियां यहां पर दुभर होती हुई नजर आई और बीएसएफ के जवानों को मोर्चा संभालना पड़ा और अब स्थितियां नियंत्रण में हैं।